बैठे बैठे टाइम पास भी नहीं हो रहा है। अब देखते हैं भाई इस पहाड़ के टीले में चढ़ती नहीं चढ़ती करके। हेलो गाइस, वेलकम बैक। टाइम हो रहा है भाई 12:15 है और डेट है आज, डेट चेक करते हैं, रुको, डेट है भाई 13 जुलाई आज और डे है सैटरडे। बाकी अपने चलते हैं छोटी मोटी राइड में चलते हैं भाई, यहाँ वहाँ घूम के आते हैं थोड़ा। सबसे पहले जाते हैं पेट्रोल पंप, फ्यूल अप कराते हैं। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है यार। जय बजरंगबली, हनुमान मंदिर के पास पहुँचे हैं भाई। हेलो, कैसे हो? बस बढ़िया। कहाँ को री रोड? ठीक है फिर, कैसा मिलते हैं? तो चलो भाई हम भी फ्यूल अप कराते हैं यार, टाइम हो गया है काफ़ी ज़्यादा। घाट रोड में चलते हैं, थोड़ी बहुत गेड़ियाँ मार के आते हैं, मस्त घूम के आते हैं, ब्लॉग शूट करके आते हैं। घाट रोड में मिलते हैं आपसे। हेलो हेलो गौरव भाई, ये नई ले ली तुमने? कितने की? ये डेढ़ की। लेके ही आ रहे हो? ना ना, ये हो गए 2-3 दिन। अच्छा, बधाई हो बधाई हो। कहाँ को रही है अभी दौड़? मैं कहीं नहीं, ऐसे ही नीचे को। पावे जा रहे हैं। पावे क्या करने? पाल है, मैं हूँ सौरभ है। चलो फिर, चलो चलो कुछ। चलो भाई, गौरव भाई लोग मिल गए थे, अब राइट चेंज, अब चलते हैं गौरव भाई लोगों के साथ पावे को। पावे को जाने का प्लान है। बाकी गौरव भाई की नई गाड़ी ड्यूक 390 अब होने वाला है रौला शहर में। बाकी सीफू भाई और सौरभ भाई आ गए हैं, प्लान देखा तुरंत चेंज हो जाते हैं भाई। ये रहे गौरव भाई और सीफू भाई, अब सौरभ भाई पता नहीं कहाँ है। ये उड़ाई है गौरव भाई ने गाड़ी। अब यहाँ पे जो खिसने वाली है ना भाई गाड़ियाँ, अब आएगा रौला। ओ भाई पिकअप देखो तुम, पिकअप। शायद कैसा है भाई? बढ़िया लगती है यार। क्या हो रही? बढ़िया, आप बताओ। बस यार, कैसे हो सौरभ भाई? देखो कैसा हो गया। सही है सही है, हट्टा कट्टा होना जरूरी है। ये स्कूटी वाला भाई फुल फॉर्म में। बाकी चलो पूरी गैंग आ गई अपनी, अब चलते हैं, लेट्स गो करते हैं। अब तो चलो भाई अब चलते हैं राइड में। और बाकी ये रास्ता है नैनी सैनी एयरपोर्ट को। और यहाँ पे भाई लोग रुके हैं अपने। बाकी भाई यहाँ पे नैनी सैनी का स्विमिंग पूल है, अभी भी भीड़ लगी है स्विमिंग पूल में भाई। मौसम इतना ख़राब है फिर भी लोग नहा रहे हैं। बाकी भाई यहाँ से आता है काफ़ी मस्त व्यू नैनी सैनी एयरपोर्ट का। लाइटें भी लगी हैं देखो, अभी रेड रेड जल रही है लाइटें। और सामने है नैनी सैनी एयरपोर्ट, उस पहाड़ी के टॉप में जाना है हमने। तो भाई यहाँ पे भी एक नया स्विमिंग पूल खुला है, देखो लोग बड़े मज़े से नहा रहे हैं। बाकी चलो भाई अपने पहुंच गए अपनी लोकेशन में, भाई लोगों ने ऊपर ही चढ़ा दी है शायद गाड़ी। ये देखो भाई यहाँ से आ रहा है काफ़ी मस्त व्यू पिथौरागढ़ शहर का। सामने पे देखो पिथौरागढ़ सिटी और यहाँ पे दिख रहा है एयरपोर्ट। तो भाई ये देखो एरोप्लेन लैंड हो रहा है, वो वहाँ पे पहुँचा है अभी, देखो कामाख्या मंदिर के टॉप में। अब हुआ लैंड। तो भाई लोग गौरव भाई लोग तो टीवी टावर के पास गए हैं रील शूट करने, सीफू भाई और मैं नीचे ही रुके हैं, बैठे बैठे टाइम पास भी नहीं हो रहा है। अब देखते हैं भाई इस पहाड़ के टीले में चढ़ती नहीं चढ़ती करके, यहाँ से चढ़ा के उतारनी है तो चलो ट्राई करते हैं। डर्ट बाइक होती तो डन चढ़ जाती, अब इसका पता नहीं।
चढ़ तो गई, अब उतरने में टास्क है। उतर भी गई। तो भाई ये देखो, पत्थरों में पूरा चिपक गया है टायर, पूरे काले हो गए हैं पत्थर, रबड़ चिपक गया है, देखना है इस पत्थर के नीचे छुप गया। कहाँ गया? तेरे पांव के, मेरे पांव की तरफ आ रहा है। ओ भाई कितने खतरनाक तरीके से जा रहा है, अंदर कान से अंदर घुसता है और कान के अंदर घुस के अंडे दे देता है खूब सारे। बाकी ये है अपनी लोकेशन भाई, जहाँ पे सिफू भाई अभी पबजी खेल रहे हैं। तो भाई लोग ये देखो, प्लेन ने फिर से टेक ऑफ कर लिया है। होप सो गोप्रो में दिख रहा हो। तो चलो भाई बाय बाय करते हैं अपनी लोकेशन को और चलते हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ पत्थर काफी हैं यार। रॉयल सिनेमा थिएटर के बाहर पे पहुंचे हैं भाई हम अभी। तो भाई सिफू भाई तो चलते हैं यहाँ से अपने घर को, बाकी हम भी चलते हैं घर को और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और व्लॉग अच्छा लगा तो भाई कमेंट जरूर करना, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार।